नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वुड वर्क आर्यन में। मैं बात कर रहा हूँ आर्यन सुथार यूट्यूब चैनल से। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले स्लाइडिंग कबाट की चैनल कैसे फिटिंग किया जाता है, वो किस प्रकार फिटिंग किया जाता है, मैं आपको पूरा डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने नीचे की चैनल ये फिटिंग कर दी है, जो 6 mm वाली थी। मैंने बोला था आपको 6 mm की चैनल है, उसको मैंने फिटिंग कर दिया है स्क्रू मार के। आपको आप भी ऐसे फिट कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, ये जो पट्टी है ये 19 mm पट्टी निकाली हुई है, और ऐसे हाइट में भी 19 इंच यानी कि 19 mm और 19 mm यानी कि 1.5 इंच हो गया, और ये 0.25 इंच पट्टी 19 mm की पट्टी लगानी है आपको। और ये 6 mm है तो आपका क्या होगा, ये 0.5 इंच डीप हो जाएगी, 12 mm जितनी डीप हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि इसके नीचे 12 mm का पैकिंग रखना है, 12 mm का पैकिंग, और 6 mm यानी कि 18 mm हो गया, 19 mm हो गया, इसके लेवल आ जाएगा। अभी आप देख सकते हो यह लेवल है, और पीछे जो मैंने पैकिंग रखा हुआ है वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ये 12 mm का पैकिंग रखा हुआ है मैंने, ये आप भी ऐसे 12 mm पैकिंग रख के फिर इसको चैनल को लगाना, ताकि क्या है आपका इसके लेवल आ जाए, ये आपका लेवल हो जाएगा। फिर ऊपर का ऊपर की पट्टी क्या करनी है, मैंने बोला था आपको ये माप अगर सेम है तो ऊपर और नीचे की पट्टी सेम ही लगेगी, और इसमें अगर फर्क है आपका तो आपको ऊपर या फिर नीचे की पट्टी में एक डोरे जैसा फर्क करना पड़ेगा। ये 5 ऊपर की 5 डोरे की निकलेगी तो ये 6 डोरे की निकलेगी, ठीक है। तो ये पट्टी 19 mm की लगाई हुई है, तो आपको ऊपर भी क्या करना है कि ऊपर की जो चैनल है इसमें भी आपको 19 mm ही डालना है। ये 19 mm पट्टी और ऐसे में भी 19 mm यानी कि दोनों मिला के 1.5 इंच हो गया, और ये 19 mm की पट्टी हो गई। तो आपको क्या करना है, ये हाइड्रोलिक मैंने बोला था पहले ही आपको डाल देना है अंदर, ये हाइड्रोलिक डाल दिया है। इस प्रकार ये आपकी चैनल ये लगने के बाद में ये 14 mm है और ये 19 mm है, ये 19 mm है और ये 14 mm है। तो आपका क्या है, ये 4 mm जितना डीप हो जाएगा, ये 4 mm जितना ये डीप है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 mm का अगर आपका लेवल करना है तो आपको इसके पीछे स्क्रू के दोनों साइड में 4 mm का पैकिंग रख सकते हो, और नहीं भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैंने कोई पैकिंग नहीं रखा हुआ है, ये दरवाज़ा मैंने लगा दिया है, देख लीजिए आप, ये मैंने दरवाज़ा लगा दिया है, ये दरवाज़ा कंप्लीट आ गया है। और नीचे का गैप है वो भी एक 4 mm जितना गैप है, आप देख सकते हो। ये चैनल मैंने पूरी लेवल की हुई है, नीचे 12 mm का पैकिंग रख के आपको लेवल हो जाएगा। और ये भी दरवाज़ा हमने लगा दिया है, इसका भी व्हील लगा दिया है, आपको बता देता हूँ मैंने व्हील ये लगा दिया है। ये वाला व्हील है तो ऊपर ही लगता है, इसका कोई खांचा नहीं लगाना पड़ता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये धार से यहाँ तक जो यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ तक आपको 4.25 इंच रख देना है। आगे क्या है, 4.25 इंच रखोगे तो आपका दरवाज़ा ये ऑटोमेटिक खींच के बंद हो जाएगा। ये इधर देख लीजिए, ये दरवाजा आपका बंद हो गया, और ऊपर का इधर भी ऐसे किया हुआ है दोनों साइड पर सेम। ये यहाँ से यहाँ तक 4.25 इंच का उधर उधर आपको पिल लगा देना है। और नीचे का आपका क्या है, ये दरवाज़ा छोटा है मेरा, ये 26 इंच का दरवाजा है, आपको दूर से बता देता हूँ, ये 26 इंच का दरवाजा है। तो नीचे का आपको विल क्या करना है, नीचे का व्हील लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये व्हील दिख रहा है आपको, इसको आपको यहाँ से 1 इंची 1 सूत या फिर 1.25 इंच जैसे ही आपको अंदर लगाना है, क्योंकि ज़्यादा अंदर लगाओगे तो फिर दरवाजे का बैलेंस नहीं बनेगा और दरवाजा फंसेगा। तो इससे अच्छा है आप यहाँ से गैप कम रखें और व्हील लगा दे सकते हो, लेकिन ऊपर का आपका माप कम ज़्यादा नहीं होगा। ऊपर का जो माप है ऊपर का आपको 4.25 इंच ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ठेसी है ना, ये ठेसी ये बंद होने के बाद में आपको माप ले लेना है यहाँ से यहाँ तक का। तो जितना भी आपका माप आता है उससे अंदर अंदर व्हील आपको लगा देना है, यहाँ से अंदर अंदर व्हील लगा देना है, यहाँ से माप लेना है, यहाँ से माप लेने के बाद इधर व्हील लग जाएगा। तो आपका ये तो अभी ये दरवाजा है आपका इसे बंद हो जाएगा। हाँ तो दोस्तों, इस प्रकार आपको चैनल फिटिंग कर देना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हाँ तो दोस्तों, इस तरह आपको चैनल फिटिंग कर देना है। मैंने पूरा वीडियो में बताया किस प्रकार पैकिंग रखना है, कौन सी आगे की पट्टी, नीचे की पट्टी कितनी लगानी है, कितनी आए मतलब
जो भी है पूरी डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। हाँ तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से आगे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय राम जी की जय भारत।